हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट। देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज ट्रिप फॉर अब्दुल ट्रिप। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़का है अब्दुल, जो अब्दुल है उसको अपने स्कूल जाना है। तो अपने स्कूल जाता है एक स्ट्रेट लाइन में, और जो उसकी जाने की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में हमें खाली स्पीड मेंशन है, ना ही टाइम मेंशन है और ना ही डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए हम डिस्टेंस को ले लेंगे एक्स किलोमीटर, और क्योंकि ये सेम रूट है सो फिर आने का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा एक्स किलोमीटर, और जाने का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा एक्स किलोमीटर। ठीक है, बस टाइम डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें दो केसेस दे रखे हैं, एक जाने का और एक आने का, यानी गोइंग और रिटर्निंग। और हमें दोनों केसेस के लिए टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले हम गोइंग टाइम निकालते हैं। सो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो देयरफॉर टाइम विल बी, यहाँ पे टाइम चला जाएगा स्पीड में और स्पीड आ जाएगा नीचे, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो गोइंग के लिए हम देखते हैं डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है x किलोमीटर, सो x अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आर। तो हम लिख देंगे x अपॉन 20, और टाइम की यूनिट लेंगे हम r, क्योंकि स्पीड है किलोमीटर पर आर, इसलिए टाइम की यूनिट r होगी। सो x अपॉन 20 r। अब रिटर्निंग केस के लिए हम लेते हैं, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है x किलोमीटर, क्योंकि ये सेम रूट पे है इसका स्कूल। सो x अपॉन, और स्पीड क्या है 30, x अपॉन 30 आवर्स। तो हमारे पास दोनों केसेस के लिए टाइम आ गया है। अब हम इसे बस इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी अब्दुल का। सो अब्दुल x किलोमीटर जाता है और x किलोमीटर आता है, सो x प्लस x, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, आप चाहे तो ना भी डालें तब भी चलेगा, अपॉन टाइम की हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है x अपॉन 20, x अपॉन 30। इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा ताकि आपको प्लस करने में आसानी हो, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, और x प्लस x ये इसमें हम एलसीएम लेंगे। सो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, ये हो जाएगा 60। 20 थ्री या 60 3x प्लस 32 या 60, सो 2x। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3x प्लस 2x 5x, सो 2x अपॉन 5x अपॉन 60। अब ये देख के घबराना मत, बहुत ही सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐसे देख लो 2x डिवाइडेड बाई 5x अपॉन 60। ठीक है, अब बस रेसिप्रोकेट कर दो इसे, इज इक्वल टू 2x इंटू 60 अपॉन 5x। अब बहुत ही सिंपल है ये, x टू x कैंसिल कर दो और इसको काट दो 5 से, 5 × 5 = 10, हमारा आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आर। ये है हमारी एवरेज स्पीड, अब्दुल की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आर है पूरी ट्रिप के लिए। सो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।